think so. तो हेलो गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हैंडमेड टेल्स के एपिसोड 10, 11 और 12 को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद में इसका लास्ट एपिसोड बचेगा जो कि होगा एपिसोड 13, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और इसके साथ साथ इसकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपने हैंडमेड टेल्स के सीजन 1 और सीजन 2 के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा, सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे एक माँ अपने बेबी को किसी और के हवाले न करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करती है? क्या एक माँ का हक बस अपने बच्चे को दूध पिलाने का ही होता है? और एक औरत को प्यार न मिलने पर क्या वही प्यार ढूंढने के लिए किसी और के पास जा सकती है? यही सब इन आगे के एपिसोड में हम जानेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है ग्लेनोवा से, जिसको सेक्स सेरेमनी के नाम पर सेक्स करवा जा रहा था और यहाँ पे किस करना बिल्कुल पाप था। उस सेक्स के दौरान वहाँ पर ऑर्गाज्म भी नहीं दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर सेक्स करते हुए ही कुछ ही टाइम में वो अमीर आदमी बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है और तब गुस्से में ग्लेनोवा उस अमीर आदमी को लात मारती है क्योंकि वो अपने रेप का गुस्सा निकालने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगले दिन ग्लेनोवा के मालिक के बारे में सबको पता चल चुका था और मार्केट में बाकी के हैंडमेड्स इसी बारे में बातें कर रही थी। जूथ ग्लेनोवा से बात करने जा रही थी कि तभी उसको अपने पेट में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके ग्लेनोवा से बात करने जाती है। हेना से जून को पता लगता है कि जल्द ही ग्लेनोवा को न्यू फैमिली के पास में भेज दिया जाएगा। वो जून उनको मोरिया के बारे में बताती है कि मोरिया यहाँ से जिंदा बचकर कनाडा पहुंच गई है, मतलब कि वे लोग भी यहाँ से निकल सकते हैं और कहीं ना कहीं से कोई तो रास्ता होगा जिससे कि वो यहाँ से निकल पाए। अब जून ग्लेनोवा को कहती है कि वो एक दिन उसके बेटे से जरूर मिल पाएगी और तब ग्लेनोवा ये बताती है कि वो अब उसकी माँ नहीं रही है और शायद उसका बेटा भी अब उसे भूल चुका होगा। और तभी अचानक से जून को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसे सही सलामत एम्बुलेंस में घर पर लाया जाता है। निक जून की बहुत फिक्र कर रहा था और ये देखकर एडना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि निक ने कभी भी उसकी ऐसी फिक्र नहीं की थी। यहाँ पर सेरेना बहुत ही खुश थी जून के लेबर पेन से, उसे जल्दी अपना बेबी मिलने वाला था। फिर कुछ देर के बाद जून को डिलीवरी के रिचुअल के लिए रेडी किया जाता है और डिलीवरी की सारी चीजों को ठीक से रखा जाता है। कुछ हैंडमेड्स को भी रिचुअल के लिए बुलाया जाता है और एरिका सभी चीजों का ध्यान रख रही थी, साथ ही एरिका जून को डिलीवरी के लिए हिम्मत भी दे रही थी। अब बहुत सारे वीआईपी लोग फ्रेड को मुबारकबाद दे रहे थे और सारे मेट्स भी इसी खुशी के मौके पर बहुत सारी तैयारियां करती हैं। सेरेना भी जून की तरह व्हाइट ड्रेस पहनकर डिलीवरी के लिए रेडी होती है और ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे कि वही प्रेग्नेंट हो। और डिलीवरी का नाटक करने के लिए सेरेना भी बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी एरिका सेरेना को बुलाने आती है और सेरेना जाकर देखती है कि जून बेड पर आराम से बैठी है और उसे डिलीवरी पेन अब नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी यही कहता है कि जून की डिलीवरी को काफी टाइम है और ये दर्द खाने पीने की वजह से हुआ होगा। सेरेना तो बस ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उसे बेबी मिल जाए और जून यहाँ से चली जाए, और जून भी कभी भी सेरेना को नहीं देखना चाहती थी। फिर रात होती है और रात को जून फ्रेड से मिलने उसके स्टडी रूम में जाती है। जून पहले ही अपनी बेटी एलिजाबेथ से दूर थी और जल्दी ही जून का बेबी छीन कर उसको किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। फ्रेड के पास इतनी पावर तो थी कि वो जून को अगली बार के लिए एलिजाबेथ के डिस्ट्रिक्ट में भेज दे ताकि वो एलिजाबेथ को देख पाए, लेकिन फ्रेड उसकी मदद करने से मना कर देता है। और आज फ्रेड भी बहुत उम्मीद से बेबी के लिए रुका हुआ था, लेकिन बेबी आज नहीं आया और इसीलिए वो जून से भी बहुत गुस्सा था। अब अगले दिन सेरेना और फ्रेड एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सेरेना को ऐसा लग रहा था कि जून ने उसको दुख पहुंचाने के लिए जबरदस्ती लेबर पेन होने का झूठा नाटक किया है। फिर फ्रेड सेरेना को कुछ और दिन बेबी के लिए रुकने का कहता है। फिर रात को सेरेना जून को अपने रूम में बुलाती है और जून सेरेना के पास जाती है, लेकिन तब सेरेना और फ्रेड मिलकर जून को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में फ्रेड जून का रेप करता है। जून उनको बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वे लोग इस समय पर ऐसा नहीं करें, लेकिन फिर भी वे लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और जून के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। जून ने जैसे डिलीवरी का झूठा नाटक करके उनको शर्मिंदा किया था, इसी का बदला लेने के लिए वो जून का रेप करके फ्रेड और सेरेना जून को शर्मिंदा कर रही थी। अब इधर देखते देखते एडना और आइजैक एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं और निक से जो प्यार एडना चाहती थी वो उसे आइजैक से मिल रहा था। निक भी उनको किस करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता है।
और एडना उससे बहुत डर जाती है क्योंकि ये बात अगर बाहर आ गई तो उसे और आइजक को दोनों को मार दिया जाएगा। एडना निक से माफ़ी भी मांगती है लेकिन निक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और एडना इसलिए निक पर गुस्सा करने लगती है। निक ने कभी भी उसे प्यार नहीं किया है और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि एडना किसके साथ है। एडना को समझ में आ जाता है कि निक जून से प्यार करता है और निक भी इस बात को सही ठहराता है और ये जानकर एडना बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। अगली सुबह फ्रेड जून के पास में आता है और उसने जून के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था। जून को फ्रेड कार में बैठा देता है और निक को वो एड्रेस देता है और 3 घंटे में वापस आने को कहता है लेकिन फ्रेड उनके साथ में नहीं जाता है। अब कुछ देर में निक जून को उस एड्रेस पर लेकर आता है जहाँ पर एक घर के अंदर वे चले जाते हैं और वहीं पर जून को अपनी बेटी एलिजाबेथ से 10 मिनट के लिए मिलने के लिए दिया जाता है और इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर जून बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर एलिजाबेथ जून से बहुत नाराज़ थी क्योंकि वो उनका वेट कर रही थी लेकिन उन लोगों ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। जून उसे समझाती है कि उसने और उसके पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है और ये एलिजाबेथ के लिए अच्छा है कि वे लोग कुछ टाइम उससे दूर रहें। एलिजाबेथ को अब उनकी ज़्यादा याद नहीं आती थी क्योंकि उसको भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और उसके पेरेंट्स अब कोई और थे। जून को प्रेग्नेंट देखकर एलिजाबेथ उसके बेबी के बारे में पूछती है और जून उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वही उसकी पहली और सबसे स्पेशल बेबी है। जून एलिजाबेथ को खुश रहने को और सेफ रहने को कहती है और टाइम के पूरा होने पर एलिजाबेथ के नए पेरेंट्स की मैड एलिजाबेथ को अपने साथ में लेकर जाती है। एलिजाबेथ जून को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती लेकिन जून उसे समझाकर वापस भेज देती है और एलिजाबेथ को वापस जाता देखकर जून बहुत ही ज़्यादा रोती है और यहाँ पर निक उसे संभालता है। अब कुछ आर्मीज को वापस आता देख निक घर के अंदर जून को छुपा देता है और खुद आर्मी के पास जाता है लेकिन वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। उस जख्मी हालत में आर्मी निक को अपने साथ में लेकर जाते हैं। जून अंदर है ये बात किसी को भी नहीं पता चलती है और शायद यही चांस था जून के वहाँ से भागने का। वो कुछ सोचकर घर के बाहर आती है। वो घर के बाहर आकर कुछ दूर जाती है लेकिन कुछ सोचकर वो वहीं पर रुक जाती है और इसी के साथ में एपिसोड 10 खत्म होता है। अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड 11 की शुरुआत होती है जून से जो कि वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और इतनी ठंड में अगर वो चलकर जाती तो उसके साथ साथ उसके बेबी को भी खतरा होता है और इसीलिए वो पास के एक घर पर जाती है जहाँ पर एक गैरेज पर एक कार थी और उस गैरेज का डोर नहीं खुल रहा था। वो देखती है कि सामने एक भेड़िया भी है जो कि जून की तरफ देख रहा था और तब वो वापस पहले वाले घर पर आ जाती है और वहाँ के सामान को देखने लगती है। वहाँ पर खाने पीने का सारा जरूरी सामान रखा हुआ था और जून वहाँ पर एलिजाबेथ को याद करती है कि किस तरह एलिजाबेथ स्कूल के पहले दिन जून को छोड़कर नहीं रह पाई थी और अब तो इतने दिनों से वो अपनी माँ से अलग रह रही है। उसी घर में जून को उस गैरेज की चाबी मिल जाती है और लकीली वहाँ की कार भी स्टार्ट हो जाती है और कार के रेडियो से जून को खबर मिलती है कि अब पूरी दुनिया गलियट से भागे हुए लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है जिसे सुनकर जून बहुत ही खुश होती है। जून घर के अंदर फिर से जाकर खाने पीने के सामान के साथ कुछ जरूरी सामान ले लेती है और कुछ कपड़े भी अपने साथ में रख लेती है और सीन यहीं से शिफ्ट होता है और कहानी पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर वो पहले प्रेग्नेंट थी और जॉन के साथ में थी जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर जून को वहाँ पर एक कार आते हुए दिखाई देती है और वहाँ पर फ्रेड और सेरेना थे। फ्रेड और सेरेना अंदर आकर जून को ढूंढने लगते हैं और सेरेना को वहाँ पर जून का ड्रेस मिलता है जिसे देखकर वो सोचती है कि जून वहाँ से भाग चुकी है लेकिन जून भागी नहीं थी बल्कि वहीं पर छिपी हुई थी। सेरेना फ्रेड पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि आज फ्रेड की वजह से ही जून वहाँ से भाग चुकी है क्योंकि ना ही फ्रेड जून को उसकी बेटी से मिलवाने की कोशिश करता और ना ही जून वहाँ से भाग पाती। फ्रेड सेरेना को बताता है कि वो तो बस उसे काइंडनेस दिखा रहा था लेकिन सेरेना के मुताबिक उसने कल जून का रेप किया और वो आज उसी को काइंडनेस दिखा रहा है। ये कैसा न्याय है लेकिन असल में फ्रेड ने ये रेप सेरेना के कहने पर किया था। सेरेना बहस करते हुए फ्रेड से कहती है फ्रेड और एक बेबी पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया लेकिन फिर भी फ्रेड ने बेबी के आने के पहले इतनी बड़ी गलती कर दी। सेरेना और फ्रेड जब बात कर रहे थे तो इसी दौरान जून को एक गन मिल जाती है और बिना कोई आवाज किए गन में गोली डालने लगती है। फिर वो फ्रेड की तरफ गन तान देती है और उन दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन फ्रेड और सेरेना को बेबी के लिए ऐसा रोता हुआ देखकर जून उन पर गोली नहीं चला पाती है और वे दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जून को अब वहाँ पर बार बार लिवर पेन हो रहा था और जून अपने पास्ट के टाइम को याद करती है जब वो प्रेग्नेंट थी और वो अब डिलीवरी के लिए एक अच्छी जगह देख रही थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब लिवर पेन में वो बिल्कुल अकेली है। जून फिर से गैरेज में जाकर बहुत कोशिश करती है गैरेज का डोर खोलने की लेकिन तब भी उसका डोर नहीं खुलता है और फिर वो कार को स्टार्ट करती है
वो डोर को कार से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो डोर नहीं खुलता है। जून घर के बाहर जाकर डोर के पास की बर्फ को खोदने लगती है, लेकिन उसका लिवर पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो वो नीचे गिर जाती है और उसके पास ही वो भेड़िया आ जाता है जो कि जून का शिकार करने के लिए खड़ा हुआ था, और वो भेड़िया अपना साथी भेड़ियों को भी बुला रहा था। जून उसे देखकर घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर भी जून का लेबर पेन कम नहीं हो रहा था। जून अपने पास में लेबर टाइम को याद करती है जहाँ पर उसकी डिलीवरी के समय जॉन और मोनिया और सभी डॉक्टर्स उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जून को बेबी पैदा करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो अपने बेबी की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए वो घर के बाहर जाकर गन को कई बार चला देती है ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आ जाए। जून फिर से घर के अंदर आ जाती है और अपने पास्ट टाइम की डिलीवरी और हेना की डिलीवरी प्रोसेस को याद करके वो बहुत तकलीफों के बाद में अपने बेबी को डिलीवर करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन जून इतनी बहादुर थी कि वो अकेले ही खुद की डिलीवरी करवा लेती है। फिर वो अपने नवजात बच्चे को गले लगा लेती है और जून को वही टाइम याद आता है जब उसने एलिजाबेथ को पैदा करने के बाद में गले से लगाया था। जून अपने बेबी को भी बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन भी है जिससे वो उसे एक न एक दिन जरूर मिलवाएगी। और यहीं पर एपिसोड 11 भी खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है सेरेना से जो कि जून के बेबी का ख्याल रख रही थी जिसके साथ वो बहुत खुश थी और उसने बेबी का नाम निकोल रखा था। दूसरी तरफ जून को हॉस्पिटल में रखा गया था और उसके दूध का टेस्ट किया जा रहा था। जून को अब बेबी से मिलने नहीं दिया जा रहा था लेकिन उसका दूध बेबी तक पहुँचाया जा रहा था और बेबी से दूर रहने के कारण जून का दूध दिन पर दिन कम हो रहा था। जून ने अब तक कई बार भागने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उसने अकेले इतना रिस्क लेकर बेबी को डिलीवर किया था और इसीलिए सेरेना अभी से जून के बेबी को जून से दूर रख रही थी। दूसरी तरफ फ्रेड निक की तारीफ करता है कि जिस तरह वो जून को छुपाकर खुद आर्मी के पास में चला गया ताकि किसी को भी उनके रूल तोड़ने के बारे में पता न चले। और जून के बेटे के साथ में फ्रेड और सेरेना ने एक फैमिली फोटो ले ली थी जो कि फ्रेड निक को उसके स्टडी रूम में लगाने को कहता है। फ्रेड को भी पता था कि वो बेबी निक का है और उसे तकलीफ देने के लिए फ्रेड निक को ही वो फोटो लगाने को कहता है। इस तरफ सेरेना ने बेबी के लिए नए कपड़े बनाए थे और अब जाकर वो उन कपड़ों को बेबी को पहना पा रही थी। यहाँ पर नीना सेरेना को कहती है कि बेबी का दूध अब खत्म होने वाला है, लेकिन सेरेना नहीं चाहती थी कि बेबी जून के पास में आए। अब उसी दिन एरिका जून को लेकर चर्च जाती है जहाँ पर पहले से फ्रेड था और निक भी वहीं पर खड़ा था क्योंकि बेबी के बिना जून का मिल्क ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अपने बेबी को सिर्फ एक बार देखने से ही जून का मिल्क कुछ हद तक बढ़ने लगा था और तब एरिका फ्रेड से रिक्वेस्ट करती है कि अगर जून को उनके घर पर रहने दिया जाए तो वो और भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगी और ये बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और फ्रेड भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। जून को फिर से उन्हीं के घर पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेरेना फ्रेड से नाराज थी क्योंकि फिर से जून को उनके घर पर लेकर आया गया था जिसकी वजह से बेबी का माहौल खराब हो रहा था। और तब फ्रेड उसे समझाता है कि बेबी के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है जिसके लिए जून का बेबी के पास में रहना बहुत ही जरूरी था। और तब सेरेना भी ये फैसला ले लेती है कि जून बेबी से नहीं मिलेगी और अपने रूम में ही मिल्क पंप करके उनको दे देगी। फ्रेड भी उसकी बात मान जाता है और अब यहाँ पर ग्लेनोमा को एक न्यू फैमिली मिस्टर लॉरेंस के पास में भेजा जाता है उनका बेबी पैदा करवाने के लिए। लेकिन मिस्टर लॉरेंस एरिका से कुछ ज़्यादा बात नहीं करते और उसको घर पर भेज देते हैं। वहाँ की फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीब थी जिससे कि ग्लेनोवा थोड़ा डर रही थी। ग्लेनोवा उस घर को घूमकर देख रही थी और वहीं की एक बुक को ग्लेनोवा टच कर रही थी कि तभी मिस्टर लॉरेंस उसे याद दिलाते हैं कि रूल के मुताबिक औरतें अगर बुक पढ़ने की कोशिश करें तो उनकी उंगलियाँ काट दी जाएगी। और तब ग्लेनोवा भी उस बुक को टच करने की हिम्मत नहीं करती है। फिर रात को जून अपना मिल्क पंप करके बेबी के लिए निकाल रही थी कि तभी उसे नीचे के रूम से बेबी की आवाज़ सुनाई देती है। जून फ्लोर पर कान लगाकर बेबी की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है। अब कुछ देर के बाद में जून उस मिल्क को रखने के लिए किचन में जाती है और वहाँ पर उसे एडना मिलती है। जून के बेबी को देखकर एडना भी माँ बनने के लिए एक्साइटेड थी। जून एडना को समझाती है कि एडना जो प्यार चाहती है वो उसे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा और उसे सुनकर एडना को बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन निक को एडना दिख नहीं रही थी और जून उसे बताती है कि शायद एडना मार्केट गई होगी क्योंकि वहाँ पर सेल लगी थी। फिर निक जून से बेबी के बारे में बातें करने लगता है और उस बेबी के पेरेंट वही दोनों थे, पर वे दोनों इतने मजबूर थे कि अपने बेबी पर उनका कोई भी हक नहीं बनता था। जून और निक एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फ्रेड आता है और फ्रेड को भी सुबह से आइजैक नहीं मिल रहा था और साथ में एडना भी गायब थी। और तब जाकर सबको समझ में आता है कि एडना और आइजैक एक दूसरे के साथ में भाग चुके हैं। फ्रेड बहुत गुस्सा था कि एक शादीशुदा लड़की कैसे किसी दूसरे मर्द के साथ में भाग सकती है।
लेकिन सेरेना इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो इससे अपने बेबी पर ध्यान नहीं दे पाएगी। और कोई क्या करता है, इससे सेरेना को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे तो बस अपने बच्चे से मतलब है। जून का बेबी बहुत ही ज्यादा रो रहा था, लेकिन सेरेना उसे चुप करवाने के लिए न ही जून को दे रही थी और न ही नीना को। सेरेना डोर बंद करके अपना ब्रेस्ट बेबी के मुंह में डालती है, भले ही उसका मिल्क नहीं निकलता हो और वो कभी भी माँ नहीं बन पाई थी, तो इस तरह उसको माँ बनने का अनुभव हो रहा था, जिससे कि सेरेना को बहुत खुशी मिल रही थी। रात को जून अपने बेबी के कपड़े को टच करके उसे महसूस कर रही थी। वो तभी वहाँ पर फ्रेड आ जाता है और उन लोगों ने उस घर पर जून को बहुत ढूंढा था, लेकिन जून उनको कहीं नहीं मिली थी। जून उनको बताती है कि वो एटिक में छुपी हुई थी और जून अपनी बातों में फ्रेड को फंसाने लगती है। जून फ्रेड को कहती है कि उसे पहले की तरह उसके साथ में उसे सेक्स पार्टी में जाना है और फ्रेड भी इस बात से खुश हो जाता है और जल्दी जून को वहां पर ले जाने वाला था। लेकिन जून की आंखों में हम साफ साफ ये देख पाते हैं कि जून के दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब इस तरफ ग्लेनोवा अपने रूम में थी, जहाँ पर मिस लॉरेंस आती है, जो कि ग्लेनोवा से अजीब अजीब बातें कर रही थी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मिस लॉरेंस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसी टाइम मिस्टर लॉरेंस आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और ग्लेनोवा को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। मिस्टर लॉरेंस ग्लेनोवा से बातें करते हैं और उससे उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं। और यहाँ पर अजीब बात यह थी कि मिस्टर लॉरेंस ग्लेनोवा की बहुत सारी बातें जानते थे, जिससे कि ग्लेनोवा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। अब अगले सुबह अथॉरिटीज ने एडना और आइजेक को ढूंढ लिया था और निक एडना को समझा रहा था कि वो अथॉरिटी से झूठ बोले कि आइजेक ने उसे किडनैप किया है, क्योंकि इस तरह एडना की जान बच पाएगी। निक अपनी गलती सुधार कर एडना, जो कि उससे प्यार और एक बेबी चाहती थी, वो उसे देना चाहता था। लेकिन एडना तो अब आइजेक से प्यार करती थी, इसलिए वो मरते दम तक उसी के साथ में रहना चाहती थी। फिर कुछ देर के बाद में एडना और आइजेक को पब्लिकली एक बड़े से स्विमिंग पूल में डालकर उन्हें सभी के सामने वहां पर डुबाकर मार दिया जाता है, क्योंकि उनकी गलती यही थी कि उन्होंने रूल को तोड़कर एक दूसरे से प्यार किया है। उनकी मौत पर सभी के आंसू निकल जाते हैं और एडना की मौत का खेल मजबूरी में उसके पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है, क्योंकि रूल तोड़ने की सजा मौत थी। अब रात को जून निक को कम्फर्ट करने के लिए आती है, लेकिन निक अपने रूम में चला जाता है और तब जून सेरेना के रूम में जाती है। सेरेना भी आज एडना की मौत से बहुत ही दुखी थी, तो वो जून को बेबी को टच करने और उसे गोद में लेने के लिए देती है और बेबी भी ये समझ जाता है कि जून ही उसकी असली माँ है। और इसी के साथ में ये एपिसोड में यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, इन तीनों एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह जून अपने बेबी को खुद की हिम्मत से ही अकेले डिलीवर करवा पाई, लेकिन वह नए लॉ की वजह से बेबी को दूध पिलाने के अलावा जून का उस बेबी पर कोई भी हक नहीं बनता था। तो वहीं पर एडना और आइजेक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अथॉरिटीज किसी को भी अपनी मर्जी से प्यार करने का हक नहीं देती है, और इसीलिए दोनों के सपने और उनका प्यार उन दोनों की मौत के साथ में ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये था द हैंडमेड टेल्स सीजन 2 का एपिसोड 10, 11 और 12। अब इस सीजन का आखिरी एपिसोड बचेगा, जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और वहां पर आपको बहुत सारी बातें और भी जानने को मिलेगी। तो अगला वीडियो जरूर देखना, मैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।